हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। वार्ता होगी और आपको बता दें कि आईजीसी परामर्श के लिए चांसलर शॉल्स जो है उनके साथ मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद होंगे। ये आप देख रहे हैं जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है दुनिया में उसमें हमें ये नजर आ रहा है कि हर कंट्री का लीडर जो है वो इंडिया की ही बात करता है और कुछ ना कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया की कंट्रीज का कुछ ना कुछ इंडिया के साथ चल रहा है, हो रहा है, ट्रेड हो, एग्रीमेंट्स। और जर्मन चांसलर भी आ गए हैं और सुनने में आ रहा है इनके बाद स्पेन के वजीर आजम भी आ रहे हैं ताकि वो डील लेके जा सके। जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है। यूएई के अंदर 3000 पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल दिया है, वजह क्या है? भीख मारे यूएई और सऊदी अरब सख्त तंग आए हुए हैं पाकिस्तान। इंडिया जर्मनी जो है उनकी जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये सिर्फ मिलिट्री डील्स नहीं है, सिर्फ आर्म डील्स नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके बैकग्राउंड में आप देखें तो इतना बहुत कुछ है कि लगता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दिस इज न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप। दुबई को ऑन कैमरा गालियां दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दुबई इंडिया के साथ जो है नए नए प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं। इधर यूरोपियन वजीर आजम जो है और जो चांसलर हैं इंडिया में लाइन में खड़े हुए हैं कि सर साढ़े को ऐसा ले लो, साढ़े को ऐसा ले लो। आज हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। ये आप देख रहे हैं जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में उसमें हमें ये नजर आ रहा है कि हर कंट्री का लीडर जो है वो इंडिया की ही बात करता है और कुछ ना कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया की कंट्रीज का कुछ ना कुछ इंडिया के साथ चल रहा है, हो रहा है, ट्रेड हो, एग्रीमेंट्स हो, साथ में कुछ फोरम्स पर मुलाकातें हो, कॉन्फ्रेंसेज हो, समिट्स हो, जो भी हो। अब अभी तो आपने देख लिया ब्रिक कॉन्फ्रेंस, लेकिन अब हुआ यह है कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स पहुंच चुके हैं इंडिया और दिल्ली में नरेंद्र मोदी और ओलाफ शोल्स के बीच मुलाकात हुई। अब जर्मन चांसलर का इस टाइमिंग में इंडिया पहुंचना बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। एक तो ये कि जर्मनी ने एक बड़ा काम ये किया है कि भारत को स्पेशल स्टेटस दे दिया। ये बड़ी खबर है कि जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है और ये स्पेशल स्टेटस है। वैसे तो ये स्पेशल स्टेटस फॉर डील्स और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री डील्स हैं उसके लिए दिया गया है, क्योंकि जर्मनी ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ बहुत बड़ी डील्स हो जाएं। अच्छा, ये जो डील्स जर्मनी की तरफ से इंडिया से ख्वाहिश है उनकी, ये सिर्फ मिलिट्री डील्स नहीं है, सिर्फ आर्म डील्स नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके बैकग्राउंड में आप देखें तो इतना बहुत कुछ है कि लगता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दिस इज न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। इसमें एक बड़ा एलिमेंट ये है कि जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना पर कम हो और चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर। तो अगर आप इसको ये कहें कि जर्मनी या इंडिया जर्मनी के लिए एक न्यू चाइना क्या बन सकता है, जर्मनी ये पूछ रहा है, ये सवाल कर रहा है, या ये कि वो उसकी ये पसंद है, उसकी ख्वाहिश है, जिसके लिए अब तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो टॉक्स हैं उसके लिए दोनों तरफ के जो भी डेलीगेशंस हैं और जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें अब जुटेंगी और 2-3 दिन ये टॉक्स चलेंगी, उसमें जर्मनी की ख्वाहिश ये है कि अब इंडिया जर्मनी के लिए एक चाइना बन जाए। कैसे? वो इसलिए कि चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है ना दुनिया में। चाइना की जो मार्केट है उसका अगर कोई अल्टरनेट दुनिया देख रही है तो वो इंडिया को ही देख रही है। दो कंट्रीज़ हैं जो कि हमने देखा कि ब्रिक्स में भी क्या बात की गई, जो वज़ीर आज़म मोदी हैं और जो दूसरी तरफ चाइना के सदर शी जिनपिंग हैं, उनकी तरफ से कि इस प्लैनेट की जो 2 लार्जेस्ट नेशंस हैं उनके बीच में वो हैंडशेक हुआ जो हमने आपको बताया। तो इसी तरीके से आप ये याद रखें कि जब कोई एग्रीमेंट होता है, जब कोई मुआहिदा किया जाता है, उसमें भी दुनिया की 2 बिगेस्ट नेशंस जो हैं वो दुनिया उनको ऐसे देखती है। तो एक चाइना जो है वो पूरी दुनिया में अपनी मार्केट बना चुका है, लेकिन जर्मनी ये चाहता है कि वो चाइना से रिलायंस ख़त्म करके इंडिया पर जो है पूरे तरीके से डिपेंड कर जाए, क्योंकि उसको वो देख रहा है, उसे ये पता है कि इंडिया के अंदर कैपेसिटी है और इंडिया ये कर सकता है। और जैसे आपने देखा कि एप्पल का बिजनेस इंडिया गया, जो भी बिजनेस अगर उठ के जा रहा है तो इंडिया ही जा रहा है ना चाइना से, तो इसका मतलब है अगर कोई नेमुल बदल अल्टरनेट है तो इंडिया ही। इसके अंदर मैं देख रही थी कि जो रॉयटर्स है वो लिखता है कि जर्मनी बेट्स ऑन इंडिया टू रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइना। क्या कहना चाहेंगे एक
रहे हैं, इंडिया को अहमियत दे रहे हैं वो। जी जी ऐसा ही है। हाँ, मगर नहीं, हमारे पाकिस्तान की फेवर करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा। दुबई हमारा मुल्क है, ठीक है, वहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, ठीक है, सलामी मुल्क है, उनका भी हक बनता है कि वो भी हमारा साथ दें, ठीक है। हम क्या नहीं कर सकते, हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ है, सब कुछ है, ठीक है, फिर भी हम जाते हैं उधर। आप थोड़ी खा लें, मगर पाकिस्तान में रह के खा लें। सर अब तो आने भी नहीं दे रहे, वो कह रहे हमारे मुल्क में ना हो, आप लोग आते हो हमारे मुल्क में जुराइम करते हो, बेहतर ये हमारे मुल्क में ना हो, तो वीजा भी नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसी बात है, ये जब जाते हैं ना वहाँ, ठीक है, वो अगर ये कुछ भी ना करे ना, तो वो कोई ना कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा के उसे जेल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ, उसके बाद वही बंदा वहाँ से दुबई से सीधा आता है इधर पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान जेल में वो 6 महीने रहता है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद उसकी जो बेल होती है, ठीक है। तो ये इल्जाम पाकिस्तानियों पे क्यों लगते हैं, किसी इंडियन पे या हिंदू पे क्यों नहीं लगते? बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भी जो है वो दुबई में रहते हैं, बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे फाइज हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं। तो ये तो इल्जाम पाकिस्तानियों पे या मुसलमानों पे क्यों लगाएंगे दुबई वाले? नहीं, वो दुबई वाले फिर गलत कर रहे हैं ना। अच्छा। क्योंकि हमारे वो मुसलमान भाई हो के, ठीक है, हमारा साथ नहीं दे रहे। तो सर साथ दे तो है, आप लोग जाते हैं, अच्छी नौकरियां देते हैं, अच्छी उजरत देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी जुराइम करेंगे वो तो अपने मुल्क से निकालेंगे, कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। ऐसी बात ये है, ठीक है, जब ये जाते हैं ना, ठीक है, वो सही कर रहे हैं, ठीक है, ये पैसे कमाने के लिए जाते हैं, ठीक है, मगर ये वहाँ देखा 100 रुपया बढ़ा हुआ है, उठा लिया, ठीक है, कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, उसी वक्त पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है, ठीक है, मगर ये जो यल्ला पाकिस्तानी, यल्ला हरामी। आप एक पाकिस्तानी हो क्या? एक पाकिस्तानी को ऑन कैमरा गाली दे रहे हैं, जब दुबई वाले पाकिस्तानियों को निकालते हैं तो आप कहते हैं गलत कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ये सही कह रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि दुबई वाले जब इल्जाम लगाते हैं, ठीक है, उनको जेल में भेजते हैं, ठीक है, मगर हमारे पाकिस्तान का भी हक है, पाकिस्तानियों के जाए, ठीक है, इज्जत के साथ अपनी रोजी कमाए, ठीक है, इज्जत के साथ रहें, ठीक है, मगर ऐसा काम ना करें, ठीक है, जिससे हमें शर्मिंदगी हो। के इंडिया जर्मनी जो है उनकी जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया मिलिट्री परचेज के लिए। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है, जर्मन के मुंह में पानी आता है जब वो देखते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाता है जाके फ्रांस से चीजें खरीद लेता है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल जर्मनी की एक कंपनी है TKMS, वो एक स्पेनिश फॉर्म है नवांतिया, उनके साथ कंपीट कर रही है बिकॉज इंडिया को 6 सबमरीन चाहिए जिनकी हजारों करोड़ रुपए जिनकी वर्थ है, और जर्मन चांसलर भी आ गए हैं, और सुनने में आ रहा है इनके बाद स्पेन के वजीर आजम भी आ रहे हैं ताकि वो डील लेके जा सके। ऐद लाद बने इधर यूरोपियन वजीर आजम जो हैं और जो चांसलर हैं इंडिया में लाइन में खड़े हुए हैं कि सर साढ़े को ऐसा ले लो, साढ़े को ऐसा ले लो, बिकॉज दे नो दैट दी ओनली रिच कंट्री इन एशिया इज इंडिया विच हैज रिसोर्सेज एट द मोमेंट, मतलब नॉट इफ दोज रिसोर्सेज आर जुडिशली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कंट्री, तो ऑब्वियसली वो रिसोर्सेज इतने नहीं है क्योंकि अभी पर कैपिटा इनकम अभी $2,2500 है। बट द क्वेश्चन इज के ऑन द कंट्री वॉट इंडिया नीड्स इज के अब इंडियन गवर्नमेंट अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, एक चीज आपने नोट की है, अगर नहीं नोट की तो मैं आपको बता देता हूँ, आज जब बल्लभ शलोज मिलने आए हैं प्राइम मिनिस्टर को उनसे, तो मोदी साहब ने उनको जफी नहीं डाली। ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है, आपको पता है ना इन चीज़ों का, कि ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है। मोदी साहब ने जब किसी को बहुत ज्यादा लाड़ियां करनी हो, उसके साथ ज्यादा करीब रहना हो, उसको जफी चुफी डाल देते होते हैं, वो इतना को वो कर देते होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन्होंने जफी नहीं डाली, ठीक है, सो इट मीन्स कि जर्मनी को तो कोई डील शील नहीं मिलने, ठीक है, या फिर ये है कि ओनली टाइम विल टेल डील मिलनी है या नहीं मिलनी, बट फॉर अ मोमेंट कि जर्मन जो है, अच्छा जर्मन बिजनेसमैन भी सारे बैठे हुए हैं, लेकिन जर्मनी का जो मेजर फोकस है वो इंडिया की फौज, नेवी और एयरफोर्स है, और ये जो टाइज हैं ये इतनी को मजबूत नहीं रही माजी में, बड़े छोटे लेवल पर पार्टनरशिप रही है, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जर्मनी वो मुल्क है यूरोप के अंदर जो यूक्रेन की जो वॉर हो और चाइना की जो असर्टिवनेस है उसके ऊपर बात करता है इंडिया के साथ। सो जर्मनी जो है वो
वो पॉलिटिकली यूरोप में अमेरिका बनना चाहता है, ठीक है, और इन अमेरिका को जर्मनी से वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो अमेरिका को फ्रांस से मसले हैं। लेकिन सर अब उन्होंने कह दिया बस बहुत हो गई है, हमने अब पाकिस्तानी अपने मुल्क में नहीं आने देने, मजदूर तबके को भी अब वीजा नहीं मिल रहा, पढ़ा लिखा नौजवान जो बंदा जाना चाहता है उसको भी वीजा नहीं मिल रहा, लेकिन हिंदुओं को वो धड़ाधड़ वीजा भी दे रहे हैं और इंडिया के साथ नए से नए एग्रीमेंट भी साइन कर रहे हैं, ठीक, मगर पाकिस्तानियों को उन्होंने कह दिया दैट्स ऑल खत्म फिनिश टाटा बाय बाय फिनिश फिनिश कर दिया, ठीक है। अब वो दुबई की फेवर कर रहे हैं, ठीक है, हो गए मुसलमान, ठीक है, हमारे जो दुश्मन मुल्क है उसके साथ, ठीक है, वो दोस्ती कर रहे हैं, फिर वो हरामी नहीं तो और क्या आए हैं मुझे बताए। तो सर अपने मुल्क को इस काबिल करें ना कि वो आपके मुल्क के साथ भी ट्रेड करें, एग्रीमेंट साइन करें। आप मुझे ये बताएं, आपने कहा कि वो हरामी है, गाली दे रहे हैं आप यूएई को ऑन कैमरा, ठीक है, कि क्यों गाली दे रहे हैं कि वो इंडिया के साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो हमारा मुल्क इस काबिल होता तो हमारे मुल्क के साथ काम करते, मुल्क भी सब कुछ है। अच्छा। मगर उसके बाद उसके अलावा भी ये क्यों जाते हैं सर, आधे से ज्यादा नौजवान तो बेरोजगार हैं, सारे भाग भाग के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा, यहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलना। अच्छा अगर पाकिस्तान में सब कुछ है ना, तो ये हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तानी पाकिस्तान क्यों छोड़ के जा रहे हैं? मानता हूँ आपकी बात, तस्लीम करता हूँ, ठीक है, मगर ये अपना मरियम नवाज, ठीक है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन्होंने इतनी वैकेंसियां खोली हैं, ठीक है, ये वहाँ जाके जो अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उन्होंने कितनी सहूलतें ली हैं, ठीक है, कितने उनके असासे हैं। मुझे बताएं आप क्या काम करते हैं? मैं एक मजदूर हूँ। कितना कमा लेते हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है 3,000 रुपए कमा लेता हूँ एक दिन का। यस। मामला घर के सही से संभाल लेते हैं? हाँ जी, ठीक है। यानी कि आप दिन का 3,000 रुपया तो महीने का 90,000 कमा लेते हैं? यस। बिजली का बिल कितना आया? 40,000। 40,000 बिजली का बिल दे दिया, बाकी कितना बचा? 50,000। बच्चे स्कूल जाते हैं? जी। कितनी फीस है उसकी? 21,000। 21,000, चले 40 में 21 और ऐड कर ले, कितना हो गया? 61,000। तो बाकी पैसों में घर चल जाता है? नहीं, बस बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। सर अगर आज आपको भी दुबई का वीजा मिले ना, तो सबसे पहले आप लोग ही जाएंगे? नो, मैं दुबई नहीं जाऊंगा। अच्छा। ठीक है, जो मेरे भाई जाना चाहते हैं, ठीक है, मोस्ट वेलकम, जाएं वो, ठीक है, मगर मैं नहीं, वो यल्ला हरामी हरामी हरामी। सर दुबई को ऑन कैमरा गालियां दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दुबई इंडिया के साथ जो है नए नए प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, इंडियंस को नौकरियां दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनको गालियां दे रहे हैं ऑन कैमरा। गाली किसी को नहीं देनी चाहिए।